उदाहरण एक, एक घनाब की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल: घनाब की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई दी गई है। हमें घनाब के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण बराबर वर्गमूल लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग बराबर वर्गमूल। हमारे पास लंबाई 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो 10 का वर्ग, चौड़ाई 4 का वर्ग और ऊंचाई है 5, तो 5 का वर्ग, या वर्गमूल 10 का वर्ग मतलब 10 × 10 100, धन 4 का वर्ग 4 × 4 16, धन 5 का वर्ग 5 × 5 25। वर्गमूल इनका योग 100 धन 16 धन 25 का योग 141 होगा, और एक वर्गमूल 141 का मान जब हम निकालेंगे तो 11.87 सेंटीमीटर होगा। अतः घनाभ के विकर्ण की लंबाई ग्यारह दशमलव 87 सेंटीमीटर होगी। तो हमने घनाभ की विकर्ण की लंबाई 11.87 सेंटीमीटर ज्ञात की। यह इस उदाहरण का हल होगा।